स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? वी आर रीडिंग 1.6 इनटू द व्हाइल चैप्टर. नाउ वी आर स्टार्टिंग पार्ट टू ऑफ द चैप्टर. ओके, तो यहाँ पे पार्ट टू हम स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रैकिंग द पैंथर ऑफ नागरहोल. इस पैसेज में शाज जंग नाम का एक बहुत ही फेमस वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है जो अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पर लिए हुए हैं, और इस पैसेज में वो एक इंसिडेंट बता रहे हैं जिसमें एक ओल्ड लेपर्ड, यानी एक बूढ़ा जो चीता था, उस और एक यंग लेपर्ड, दोनों के बीच में जो है फाइट हुई. उस वक्त तो शाज वहाँ पर नहीं था, लेकिन सेकेंड डे जब वो आया तो उसने देखा कि यंग लेपर्ड ने ओल्ड लेपर्ड को फाइट में हरा दिया है, बीट कर दिया है, और वो किंग ऑफ द जंगल बन गया है. तो इस तरह से एक अच्छा इंसिडेंट यहाँ पर उसने बयान किया है कि किस टाइप से उसने फोटोग्राफ्स उसके लिए हैं. तो देखते हैं हम पैराग्राफ पार्ट टू. शाज जंग इज़ ए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर. शाज जंग को आप नेट पर देख सकते हैं, फेमस फोटोग्राफर है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, जंगली जानवरों की फ़ोटोग्राफ्स लेते हैं, उनका प्रोफेशन है. यानी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है यहाँ पर बताई जा रही है. शाज जंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी, वो वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफर हैं, जंगली जानवर के फ़ोटोज़ लेते हैं, सिनेमेटोग्राफर हैं. सिनेमेटोग्राफर कहते हैं यानी जो मूविंग कैमराज रहते हैं, है ना, वो लेकर इधर उधर घूमते हैं और फ़ोटोज़ लेते हैं. ओके, बिग कैट ट्रैकर हैं. बिग कैट ट्रैकर जो हैं, ये बिग कैट फैमिली में सारी जो है बड़ी बड़ी वो आ जाती हैं, जैक्वार, लेपर्ड, लाइन, वाइल्ड कैट, जितने जंगली जानवर हैं उसमें आ जाते हैं. उनका क्या करते हैं, ये ट्रैक करते हैं, ट्रैकर यानी उनको ढूंढते हैं और उनके फ़ोटोज़ निकालते हैं. उसके बाद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सीकर. कन्फ्लिक्ट कहते हैं कंट्रोवर्सी, यानी इंसानों में और जानवरों में जहाँ जहाँ ऐसी परेशानी आती है, हाँ, दोनों की लाइफ में एक दूसरे की वजह से, तो उसको रेजोल्यूट करते हैं, यानी उसका इसका हल निकालते हैं. और लॉज ओनर भी, एक लॉज उनकी एक लॉज भी है, होटल जहाँ पे लोग रुकते हैं. ऑल रोल्ड इनटू वन, सारे काम भी एक साथ करते हैं. ये इतनी सारी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, यानी वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़र भी है, सिनेमेटोग्राफर भी है, बिग कैट ट्रैकर भी है, मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन सीक करते हैं, और लॉज भी ऑन करते हैं. ओके, व्हेन ही इज़ अवे फ्रॉम द जंगल्स ऑफ नागरहोल, जब वो नागरहोल के जंगल्स से दूर रहते हैं, ऑफिशियली कॉल्ड द राजीव गांधी नेशनल पार्क. नागरहोल का जो जंगल है इसको ऑफिशियली जो नाम है वो है राजीव गांधी नेशनल पार्क. तो जब वो जंगल में रहते हैं तो ही इज़ लीडिंग फोटोग्राफी, तो कोई उनको ढूंढ नहीं सकता शाज जंगो, क्योंकि वो जंगल के अंदर फोटोग्राफी करते रहते हैं, सफारी, बड़े बड़े रेगिस्तान जो है अफ्रीका में, शोकेसिंग यानी एग्जिबिटिंग, बताते हैं हिज वर्क एट आर्ट गैलरीज इन कैपिटल सिटीज़. बड़े बड़े शहरों में जो आर्ट गैलरी लगती है उसमें फ़ोटोज़ लगते हैं वाइल्ड लाइफ के, उसमें सबसे अच्छे जो फ़ोटोज़ होते हैं वो शाज जंग के लिए होते हैं. एंड स्पीकिंग टू दोज इंटरेस्टेड इन कंजर्विंग द प्लैनेट्स रिचेस, और उनकी फ़ोटोज़ जो है माहौलियात के जो प्रेमी होते हैं यानी एनवायरमेंटल लवर्स के लिए एक बहुत ही मास्टरपीस का काम करती हैं. उनके जो फ़ोटोज़ आर्ट गैलरीज में होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे और मास्टरपीस टाइप होते हैं. तो इस पैराग्राफ में बताया गया है कि शाज जंग की काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और वो राजीव गांधी नेशनल पार्क में और अफ्रीका के सफारीज़ में अलग अलग घूमते रहते हैं, और वाइल्ड लाइफ और वाइल्ड एनिमल्स के फ़ोटोज़ लेते हैं, और उनकी फ़ोटोज़ आर्ट गैलरीज में बहुत ही मेन रोल प्ले करती है. ओके, अब यहाँ पर वो एक इंसिडेंट सुना रहे हैं
चलिए वो इंसिडेंट देखते हैं। शाज रिकॉल्स, शाज को एक बात याद आई विथ ग्रेट क्लैरिटी, बड़ी क्लियरली उनको एक बात याद है लाइफ में, द इंसिडेंट एक वाकया उनके साथ हुआ था डेट अल्टीमेटली लीड्स टू हिज आंसरिंग द कॉल ऑफ द फिलाइंस ओवर अ करियर डेडिकेट टू फाइनेंस। हाँ, यानी ये सेंटेंस बता रहा है कि शाज जंग जो है ये पहले फाइनेंस के सेक्टर से जुड़े हुए थे। ओके, ये पहले जो थे फाइनेंस के सेक्टर से जुड़े हुए थे। हाँ, और अब जो है काय में आ गए हैं कॉल ऑफ द फीलाइंस। फीलाइन फैमिली होती है, जैसे फीलाइंस में आते हैं कैट आती है, जैगुआर आता है, लेपर्ड आता है, लॉयन आता है, वाइल्ड कैट आता है, ये सारे के सारे फीलाइन फैमिली होती है। तो इन्होंने क्या किया, अपना करियर जो फाइनेंस में था उसको डेडिकेट करके कॉल ऑफ द फीलाइंस यानी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन गए। ओके, इट वॉज समवेयर अराउंड सनसेट, जब वहाँ पहुँचे मीन्स जंगल में, तो वहाँ पे सनसेट होने को था, मीन्स सूरज गुरू होने वाला था, और उनके फ्रेंड भी थे यहाँ पर, वी का मतलब उनके फ्रेंड भी साथ में है। वी वेयर एट ए जंक्शन, हम जंक्शन में थे, जंक्शन यानी क्रॉस रोड, दो रास्ते जा रहे थे। द डियर वॉज कॉलिंग, हरन आवाज कर रहे थे। ही सेज वी वेंट अराउंड ए ब्लाइंड टर्न, अचानक हम एक टर्न पर, टर्न से हम मुड़े। ही कंटिन्यूस एंड अप अहेड, और सामने क्या देखते हैं, ऑन द पाथ एक रास्ते पर वॉज द ओल्ड लेपर्ड, हमने देखा कि रास्ते पर एक बूढ़ा चीता बैठा है, ओल्ड। यू कुड टेल ही वॉज पास्ट हिज प्राइम, कि हम आसानी से कह सकते हैं कि उसकी प्राइम यानी उसके जो ताकतवर, उसके जो नौजवानी के दिन थे वो पास्ट हो चुके थे, गुजर चुके थे वो। ही वॉज लुकिंग लाइक एन ओल्ड, वो बहुत ही बूढ़ा नजर आ रहा था। द जंगल हैड टेकन ए टोल ऑन हिम, और जंगल में भटकते भटकते उसके जिस्म पर टोल ऑन हिम मीन्स जख्म के निशान हो गए थे। ही ओनली हैड थ्री केनाइंस, और उसके सामने के केनाइंस कहते हैं सामने के नोकदार दांत, उसको सिर्फ तीन ही दांत बचे थे, इसका मतलब वो ओल्ड गया था। हिज आइज वेयर सैगिंग, सैगिंग मीन्स ड्रूपिंग, हाँ उसकी आँखें जो है वो एकदम नीचे झुकी हुई थी, क्लोज टू दिस लेपर्ड, क्लोज यानी बाजू में, उस लेपर्ड के बाजू में अनदर वेरी यंग, एक यंग लेपर्ड था मीन्स एक नौजवान लेपर्ड था, गुड लुकिंग मेल, बहुत बहुत ताकतवर लग रहा था, मेल था। हु वॉज सून टू कम इन टू हिज प्राइम, जो जल्द ही अपने प्राइम में यानी अपनी नौजवानी के दिनों में कदम रखने वाला था, मीनिंग दोनों कंट्रास्ट अपोजिट, एक ओल्ड तो एक यंग। इट वॉज लाइक लुकिंग एट द पास्ट एंड द प्रेजेंट, दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि एक एक जानवर से पास्ट समझ में आ रहा था और एक जानवर प्रेजेंट समझ में आ रहा था, दोनों टाइप के, ओल्ड लेपर्ड पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और न्यू लेपर्ड प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों नुमाइंदगी कर रहे हैं। पुराना चीता, बूढ़ा चीता जो है वो माजी को बता रहा है, जबकि नौजवान चीता हाल को बता रहा है। इट वॉज क्लियर, ये बात साफ थी डेट देयर वॉज गोइंग टू बी ए फाइट, ये बात क्लियर थी कि दोनों के बीच में फाइट होगी, लेकिन अनलकीली, अनफॉर्चुनेटली यानी अनलकीली, बड़ी बदकिस्मती थी कि हम लोग को वापस लौटना पड़ा, बिकॉज द सन वॉज सेटिंग, क्योंकि सूरज डूब रहा था और अंधेरा होने वाला था, एंड वी हैड टू लीव, और हमें वहाँ से निकलना पड़ा, उनका फाइट देखने का हमको चांस नहीं मिला। लेकिन बट द नेक्स्ट मॉर्निंग, जैसे ही दूसरे सुबह में हम वहाँ पहुँचे, आई वेंट बैक टू द स्पॉट, शाज कहते हैं कि मैं दोबारा उस स्पॉट पर जब गया, सिटिंग बैठा ऑन ए हाई रॉक, एक ऊंची पहाड़ पर, वॉज डैट यंग लेपर्ड, देखा कि बैठा हुआ है यंग लेपर्ड यानी नौजवान चीता, एक हाई रॉक पर बैठा हुआ है यानी टीले पर बैठा हुआ है ऊपर, और खून ब्लड वॉज ड्रिपिंग, बह रहा है फ्रॉम ए गश, गैश कहते हैं लॉन्ग डीप कट, एक गहरा जख्म का निशान उसके फेस पर है जो लड़ाई की वजह से आ गया था, और फिर भी जख्म के बाद भी ही सेट देयर लाइक ही वॉज ए किंग ऑफ द जंगल, वो बिल्कुल किंग ऑफ द जंगल यानी जानवरों में वर्चस्व की लड़ाई होती है, और इलाका जो जानवर दूसरे जानवर को हरा देता है वो उस इलाके का राजा बन जाता है। तो गोया
ऐसा लग रहा था वो इलाका उसने जीत लिया है और वो उसने ओल्ड लेपर्ड को हरा दिया है और वो किंग ऑफ द जंगल बन गया है। ओके, आई न्यू राइट देन, मुझे उस वक्त पता चला डैट ही हैड टेकन ओवर, कि उसने इलाका जीत लिया है, जंग जीत ली है, एंड डैट इट वॉज द बिगिनिंग, और उसकी शुरुआत है ऑफ ए न्यू जर्नी फॉर हिम, और अब उसकी सफ़र की ज़िंदगी के सफ़र की नई शुरुआत है, अब वो इस इलाके का बॉस बन चुका है, एंड फॉर मी, और मेरे लिए भी वो फ़ोटोज़ लेना जो है मेरे लिए भी मेरे करियर की नई शुरुआत थी, एंड फॉर मी मेरे लिए भी करियर की नई शुरुआत थी। फोटोग्राफ्स ऑफ दैट लेपर्ड द विक्टर, और मैंने बहुत सारे फोटोग्राफ्स लिए उस लेपर्ड के, यंग लेपर्ड के, जो विक्टर था, विक्टर यानी जीता हुआ, फातेह था, है ना, स्कारफेस, और उसका नाम उसने क्या नाम रखा, स्कारफेस, हाँ, यानी जख्म भरे चेहरे वाला, स्कार कहते हैं जानवर के बॉडी पर जो इंजुरी मार्क आ जाता है, निशान आता है, उसको स्कार कहते हैं। ओके, तो स्कारफेस एज शाज नेम्ड हिम, शाज ने उसका नाम स्कारफेस रखा और उसके काफ़ी सारे फोटोग्राफ निकाले, नॉट ओनली मेड शाज फेमस, और वो फोटोज़ ने शाज को बहुत फेमस बना दिया, हाँ, एक फेमस वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन गए अमंग इंडियाज वाइल्ड लाइफ कम्युनिटी, यानी जितने भी इंडिया के वाइल्ड लाइफ कम्युनिटी के फोटोग्राफर थे उसमें शाज उस लेपर्ड के फोटोज़ की वजह से बहुत फेमस हो गए, बट ऑल्सो लेड टू शाज एनवायबल रेपुटेशन एज ए क्रॉनिकलर ऑफ द वाइल्ड, हाँ, यानी एनवायबल, यानी सारे लोग काबिले रश्क हो गए थे कि कितना अच्छा रेपुटेशन उन्होंने कायम किया और जो है क्रॉनिकल कर दिया, यानी रिकॉर्ड कर दिया अपना सारा जो है फोटोग्राफी में रिकॉर्ड कायम कर दिया, थ्रू माय जर्नी ऑफ फोटोग्राफिंग स्कारफेस, जब मैं स्कारफेस के फ़ोटोज़ खींच रहा था, आई हैव डिस्कवर्ड अदर लेपर्ड्स, मैंने दूसरे चीते भी देखे, हिज मेट्स, मैंने उनकी उनके मेटिंग को, जब वो मीन्स मेटिंग करते हैं, एंड डिस्कवर्ड हिज निमाइसिस, हाँ, उनके दोस्तों को तलाश किया, उनकी निमाइसिस यानी दुश्मनों को तलाश किया, यानी शेरों को भी, उनके भी फोटोज़ निकाला, टाइगर्स जो होते हैं, आई ऑल्सो डिस्कवर्ड द करंट प्रोटोगोनिस्ट ऑफ माई वर्क, साया नाम का एक फिल्म इसने बनाया था जिसमें प्रोटोगोनिस्ट यानी मेन रोल में किसको रखा था, स्कारफेस को, वाइल्ड ट्रैकिंग स्कारफेस, स्कारफेस उसमें एक मेन हीरो था, दिस इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट ब्लैक पैंथर, ये दुनिया का पहला काला चीता था, द बिहेवियर ऑफ विच इज़ बीइंग डॉक्यूमेंटेड, मैंने उसके बिहेवियर को अपने फिल्म में बहुत अच्छी तरह से फिल्माया, सो इंटीमेटली इतना अच्छे से ऑन कैमरा बाय ट्रैकिंग इट्स मूवमेंट्स, और उसके सारी हरकतों सकनात को मैंने कैच किया। सो फार ऑल द रिसर्च ऑन द एनिमल हैज़ बीन डन थ्रू कैमरा ट्रैप्स, और मैंने अपने कैमरा से सारे एनिमल्स पर अच्छी रिसर्च की है, तहकीकात की है, थ्रू मैनी मंथ्स ऑफ टॉयल, काफ़ी महीनों तक मेहनत और मशक्क़त, टॉयल यानी मेहनत और मशक्क़त करने के बाद शाज हैज़ मैनेज टू कलेक्ट प्रेशियस फुटेज, यानी इतने कीमती जो फुटेज, इतनी जो अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ जो मिली हैं शाज को वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी की, वो काफ़ी मेहनत के बाद उनको मिली है, जिसे हम कहेंगे डेट ऑफ द एनिमल मेटिंग, के जो जानदार जो है मेटिंग करते हैं, औलाद पैदा करते हैं, पीस टुगेदर, उनको मिलाकर, उनको जोड़कर, द इनक्रेडिबल लैंडस्केप ऑफ अ ब्लैक पैंथर्स लाइफ, और उन्होंने जो है एक बहुत ही अच्छा नक्शा और नमूना पेश किया जो है काले चीते की ज़िंदगी का अपने फिल्म में, यानी स्कारफेस को मेन रोल में लेकर। तो यहाँ पे हमने देखा है कि किस तरह से यहाँ पे एक वाकया बयान किया है स्कारफेस नाम के एक यंग लेपर्ड का शाज ने। ओके, चलिए बच्चों हम इसके एक्टिविटीज़ को देख लेते हैं। एक्टिविटीज़ में सबसे पहले हैं कि एक्टिविटीज़ में सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे पेज नंबर 77 है हमारा नवनीत के डाइजेस्ट, अगर आपके पास है आप उसको खोलिए और ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग का पहला सवाल देखिए, करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट्स, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, जो फॉल्स स्टेटमेंट दिए हुए हैं बच्चों उसको आपको करेक्ट करके लिखना है, करेक्ट को तो हाथ ही नहीं लगाना है, फॉल्स को हाथ लगाना है और उसको करेक्ट करना है। अर्लियर शाज वॉज इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस, ये सेंटेंस करेक्ट है कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनने से पहले शाज जंग जो थे वो फाइनेंस की फील्ड में थे, हाँ फाइनेंस की फील्ड में थे, माश की फील्ड में थे। ओके,
ये करेक्ट सेंटेंस है। सेकेंड फॉल्स है, उसको करेक्ट करना है अपने को, है ना। द राइटर सॉ द फाइट बिटवीन द टू लेपर्ड्स, दो लेपर्ड के बीच में राइटर ने फाइटिंग देखी थी। एक्चुअली देखी थी क्या, वो तो सनसेट हो गया था, है ना। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, द राइटर डिड नॉट सी द फाइट बिटवीन द टू लेपर्ड्स, हाँ नहीं देखी थी, नहीं देखी थी। थर्ड है द फोटोग्राफर ऑफ द ओल्ड लेपर्ड मेड शॉस फेमस, ओल्ड लेपर्ड के फोटोग्राफ ने शॉस को फेमस बनाया था क्या, नहीं। हाँ यंग लेपर्ड, हाँ नौजवान, वहाँ पे ओल्ड की जगह क्या आएगा, यंग आएगा, आपको करेक्ट करके उसको लिखना पड़ेगा, ओके। और फोर है साया इज ए ब्लैक पैंथर, है ना, साया इज ए ब्लैक पैंथर, कि साया जो था वो एक ब्लैक पैंथर था, ये बात करेक्ट है, ओके। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह हमने फॉल्स सेंटेंस को लोकेट किया है और उसको करेक्ट करके लिखा है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं कंप्लीट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल्ड बाय शाज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल्ड बाय शाज, यानी शाज ने कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल किया है। नंबर एक, ही इज ए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, देन सिनेमेटोग्राफर एंड बिग कैट ट्रैकर। सेकेंड, ही इज ए मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सीकर, देन स्पीकिंग टू दोज इंटरेस्टेड इन कंजर्विंग द प्लैनेट्स रिचेस। तीसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनकी, ही लीड्स फोटोग्राफी सफारी इन अफ्रीका। चौथा, ही शोकेस हिज वर्क एट आर्ट गैलरीज इन कैपिटल सिटीज। और पांचवा, ही इज ए लॉज ओनर एंड क्रॉनिकलर ऑफ द वाइल्ड, ओके। तो यहाँ पे हमने सारी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख ली, पहली वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, सिनेमेटोग्राफर, बिग कैट को ढूंढते थे, उनकी फोटोज निकालते थे। सेकंड में मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, जितने भी परेशानी होती थी इंसान और जानवर के बीच में उसको रिजॉल्व करते थे, सॉल्व करते थे। और तीसरे में फोटोग्राफ करते थे सफारी अफ्रीका में। चौथा, आर्ट गैलरीज में उनकी कैपिटल सिटीज़ में उनकी फ़ोटो शोकेस होती थी, बताई जाती थी। और पांचवा, वो एक लॉज के मालिक थे और क्रॉनिकलर ऑफ द वाइल्ड, यानी बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स के उनके पास फोटोज़ भी रहते थे, रिकॉर्ड था उनके पास, ओके। ए थ्री में इन्फेरेंस इंटरप्रिटेशन एनालिसिस का एक क्वेश्चन है, डिस्क्राइब शाज मीटिंग्स विथ स्कारफेस, स्कारफेस के साथ शाज की मीटिंग जो हुई थी, मुलाकात, उसको बयान कीजिए। एक दिन था वन डे एट सनसेट, सूरज गुरूब हो रहा था, शाज एंड हिज कंपेनियंस, शाज और उसके दोस्त वेंट गए अराउंड ए ब्लाइंड टर्न, वहाँ पे एक अंधा मोड़ था, एंड सॉ एंड ओल्ड लेपर्ड, वहाँ पे एक बूढ़ा चीता उनको दिखाई दिया, वेल पास्ट हिज प्राइम, जो अपनी जवानी खो चुका था। क्लोज टू हिम वॉज अनदर वेरी यंग, उससे करीब एक नौजवान चीता खड़ा था, गुड लुकिंग मेल, बहुत अच्छा मुजक्कर था, बहुत ताकतवर था, हु वॉज सून टू कम इन टू हिज प्राइम, जो जल्द ही अपनी फील्ड में आकर बहुत बड़ा काम करने वाला था, मीन्स नौजवान था। इट वॉज लाइक लुकिंग एट द पास्ट एंड द प्रेजेंट, दोनों फिगर वहाँ पे दिख रहे थे, एक ओल्ड लेपर्ड पास्ट को बता रहा था जबकि यंग लेपर्ड प्रेजेंट को बता रहा था। इट वॉज क्लियर डैट देयर वॉज गोइंग टू बी अ फाइट, और ये बात बिल्कुल साफ थी कि दोनों के दरमियान फाइट होगी। हाउएवर दे हैड टू लीव, लेकिन इनको वहाँ से निकलना पड़ा एज इट वॉज सनसेट, क्योंकि सूरज गुरूब होने वाला था। द नेक्स्ट डे व्हेन शाज वेंट बैक टू द स्पॉट, अगले दिन शाज जब वापस उस मकाम पर पहुंचा, सिटिंग ऑन द हाई रॉक वॉज स्कारफेस, देखा कि स्कारफेस जो यंग लेपर्ड है वो एक हाई रॉक पर बैठा हुआ है, ब्लड ड्रूपिंग फ्रॉम ए गैश, उसके मुंह से खून बह रहा है अक्रॉस हिज फेस। ही सेड देयर लाइक ही वॉज द किंग ऑफ द जंगल, वो ऐसा बैठा था बहुत फख्र से, हो गया उसने जंग जीत ली है और वो जंगल का किंग हो। एंड शाज न्यू, और शाज को एक बात देखकर समझ में आ गया, डैट ही हैड टेकन ओवर फ्रॉम द ओल्ड लेपर्ड, कि उसने ओल्ड लेपर्ड से लड़ाई जीत ली है, एंड इट वॉज न्यू जर्नी फॉर बोथ ऑफ देम, और दोनों के लिए एक नई जर्नी है, ओके। पर्सनल रिस्पॉन्स का कोई भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। यहाँ पर क्या है, वुड यू लाइक टू मीट वाइल्ड एनिमल्स फेस टू फेस, क्या आप वाइल्ड एनिमल्स को फेस टू फेस मिलना पसंद कर रही हैं, गिव रीजंस, है ना। नो आई वुड नॉट, नहीं नहीं उनसे मिलना एज फेस टू फेस नहीं मिलेंगे। आई लाइक टू सी वाइल्ड एनिमल्स ओनली ऑन टीवी, आगे भाई टीवी में देखना पसंद करेंगे। आई फील दैट वी शुड नॉट इंट्रूड इन डिस्टर्ब, हमने उनके लाइफ में, टेरिटरी में, उनके इलाके में हमने मुदाखलत नहीं करना चाहिए, एंड लीव देम टू लीव इन पीस, और उनका सुकून से रहना चाहिए। बिसाइड्स, इसके अलावा दे आर वाइल्ड एंड नॉट टेम,
क्योंकि वो वाइल्ड है, जंगली है, टेम यानी पालतू नहीं है। एंड वन नेवर नोस, और कोई भी नहीं जानता हाउ दे मे बिहेव, कि वो कब कैसा सुलूक कर दें। आई हैव रीड अबाउट ए लॉट ऑफ पीपल बीइंग किल्ड बाय वाइल्ड एनिमल्स, और मैंने पढ़ा है कि काफ़ी सारे लोग वाइल्ड एनिमल्स के अटैक में मर गए। लैंग्वेज स्टडी में है, बिगिन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, यहाँ पे वॉइस बनाना है, पैसिव वॉइस। द बिहेवियर ऑफ द फर्स्ट ब्लैक पैंथर इज बीइंग डॉक्यूमेंटेड, तो यहाँ पे दे से स्टार्ट करना है, दे आर डॉक्यूमेंटिंग द बिहेवियर ऑफ द फर्स्ट ब्लैक पैंथर, दे से स्टार्ट होगा। उसके बाद फिर दे से स्टार्ट करना है, ऑल द रिसर्च ऑन द एनिमल हैज़ बीन डन थ्रू कैमरा ट्रैप्स, दे हैव डन, है ना, दे हैव डन ऑल द रिसर्च ऑन द एनिमल थ्रू कैमरा ट्रैप्स। उसके बाद है एक्सप्रेशन अंडरलाइन करना है सिंगल वर्ड्स से, है ना, विथ ग्रेट क्लैरिटी का मतलब होता है क्लियरली, विथ ग्रेट क्लैरिटी का मतलब क्या होता है क्लियरली, जैसे शाज रिकॉल्स द इंसिडेंट विथ ग्रेट क्लैरिटी, मीन्स शाज रिकॉल्स द इंसिडेंट क्लियरली। ओके, अनफॉर्चुनेटली द सन वॉज सेटिंग एंड वी हैड टू लीव बिकॉज, लगाइए, है ना, अनफॉर्चुनेटली वी हैड टू लीव बिकॉज द सन वॉज सेटिंग, हमें निकलना पड़ा क्योंकि सूरज डूबने वाला था, बिकॉज कैसे लगाएंगे। सेंटेंस को गौर से पढ़ेंगे और कौन से पार्ट में बिकॉज लगेगा, सबऑर्डिनेट पार्ट में लगेगा कि मेन पार्ट में लगेगा, ये हमको सेंटेंस को पढ़कर समझकर डिसाइड करना पड़ेगा। ओके, ए सिक्स में आपको वोकेबलरी है, गेस द मीनिंग ऑफ, गेस द मीनिंग ऑफ यानी आप क्या देखिए यहाँ पे, इसका मीनिंग देखिए, क्या मीनिंग देखिए, फीलाइन, फीलाइन का मीनिंग हमने आपको बताए हैं, फीलाइन का मीनिंग क्या बताया है आपको, एक फैमिली आती है जो बिलोंगिंग टू द कैट फैमिली, जितने भी जानवर कैट फैमिली से, बिल्ली जैसे जिनका मुंह है ना, वो फीलाइन होते हैं। उसके बाद क्रॉनिकलर, क्रॉनिकलर कहते हैं ए पर्सन हु रिकॉर्ड समथिंग, जो कोई चीज़ रिकॉर्ड करता है, क्रॉनिकलर रिकॉर्ड करता है, क्रॉनिकल करना यानी रिकॉर्ड में एक के बाद सेट ऑफ रिकॉर्ड्स कहेंगे उसमें। पिक आउट टू पेयर्स ऑफ एंटोनिम्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, एंटोनिम्स दो पेयर एंटोनिम्स की निकालिए, ओल्ड का अपोजिट होता है यंग और पास्ट का अपोजिट होता है प्रेजेंट। ओके, राइट द नाउन फॉर्म्स ऑफ, नाउन बनाना है, फेमस का नाउन होता है फेम, एनवायबल का नाउन होता है एनवाय, कलेक्ट का नाउन होता है कलेक्शन, इंक्लूडिंग का नाउन होता है इनकलजन। ओके, तो इस तरह से हमने यहाँ पे थर्ड पैराग्राफ जो है वो कंप्लीट किया है पार्ट सेकंड का। ओके, तो उम्मीद है कि आपको ये जो है थर्ड पैराग्राफ जो शाज जंग जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है इनका, आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो आप अच्छी स्टडी कीजिए, ये चैप्टर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि आपको राइटिंग स्किल के और दूसरे सारे वीडियोस मिल सकें। ओके, अल्लाह हाफिज़।